इस डोसे के अंदर तेल पड़ा है, इसके अंदर घी पड़ा है, इसके अंदर बटर पड़ा है। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि मैं अभी चंडीगढ़ में बैठा हूँ, मोहाली में बैठा हूँ, पंजाब में बैठा हूँ। दैट इडली इज टू डाई फॉर। इतनी टेस्टी इडली है, जो छोले हैं, जो भटूरे हैं, जो मजा है। ओह भाई क्या मील खा ली मैंने आज। वेजी भाजी आपको मोहाली का ब्रेकफास्ट दिखा रहे हैं हम लोग। कहाँ पे आए हैं? सुबह सुबह पंडित जी कचौड़ी वाले पे है, और मेरे को बताया गया लोग इनकी कचौड़ी तो खाना पसंद करते हैं, बट मेन इनके ना जो एकदम टेस्ट है, मतलब लोगों की रिपीट कस्टमर है, वो हो रखा है इनके छोले भटूरे पे। इन्हें पूरी सब्जी भी है। नाश्ते की यहाँ पे भाई बहुत लंबी लंबी वेटिंग लगती है। सिर्फ यही नहीं, और बहुत सारी चीजें होंगी मोहाली के नाश्ते में। लेट्स सी क्या है मोहाली वालों का डेली ब्रेकफास्ट ऑप्शन। छोले भटूरे कर दो एक प्लेट, बेड़मी पूड़ी कर दो एक प्लेट, कचौड़ी सिंगल कर दो, पूड़ी आलू के साथ, कचौड़ी आलू के साथ और छोले भटूरे। ये पूड़ियां लग रही है। अच्छा, पूड़ी को आधा पका लेते हो उसके बाद फुल आते हो? हाँ। तो ये दाल की पिट्ठी, सूजी, वो सब वाली पूड़ी है? हाँ, वो सब। बेड़मी? हाँ। बेड़मी बोलते हैं जिसको। पूड़ी निकल गई है, भटूरे निकल गए, कचौड़ी देख ली है, अब जाते हैं सिटिंग पे, टेस्टिंग करते हैं। मेरे को भूख लग रही है सुबह सुबह ना अच्छी खासी। हाँ, खुशबू आ रही है ब्यूटीफुल। मेरे पास ना उन्होंने सजेस्ट करा था कि आप कचौड़ी को आलू की सब्जी के साथ ट्राई करो। मैंने बोला हमने बेड़मी पूड़ी तो ली है, मेरे को छोले देखने में बहुत टेम्पटिंग लग रहे थे, तो निंजा टेक्निक करके ना मैंने एक्स्ट्रा छोले करवा लिए एक तरीके से। इसको बताना मैं सबसे पहले आया अटैक ऑन छोले भटूरे, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक ये फूला फूला वाला भटूरा बैठ गया था, इसको चेक करते हैं अंदर। इंस्पेक्शन, पनीर हल्का हल्का सा डाला हुआ है, गुड डिसेंट है। और छोले ट्राई करते हैं, लेट्स सी इफ पंजाब वालों के छोले विल गिव दिल्ली वालों के छोले रन फॉर इट्स मनी। अब क्यों कंपेयर करते हैं हम लोग ऐसे ऐसे ऐसे, बस शौक है बस। चलो लेट्स ट्राई छोले भटूरे सबसे पहले। सही है, मतलब इसमें वो फील है, फ्लेवर है, खुशबू है, अरोमा है, टेक्सचर है, सारी चीज़ें हैं, बट नॉट एट द सेम टाइम वेरी स्पाइसी कि आपके गले में लगे, आपको एकदम गड़बड़ वो खा के। इट्स वेरी वेल बैलेंस्ड, ब्यूटीफुल, बहुत सही छोले। अगर आप मोहाली में हो, इवन इफ आप चंडीगढ़ में हो, आपको छोले भटूरे की क्रेविंग हो रही है, दिस इज़ अ गो टू प्लेस, आप आके खा सकते हो। पंडित जी कचौड़ी वाले नाम क्यों है? छोले वाले नाम होना चाहिए इनके। अब देखते हैं इनकी कचौड़ी में क्या वो बात है कि इनका नाम ही कचौड़ी वाले है। आलू की सब्जी के साथ टेस्ट करते हैं पंडित जी कचौड़ी वालों की, आलू की सब्जी और कचौड़ी का कॉम्बिनेशन। ये मेरे को लग रहा है आलू की सब्जी में ना थोड़ा दही डाला हुआ है, देखने में मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ी ओके ओके सी लग रही है। अच्छी है, नो डाउट। मैं वैसे वाव फैक्टर नहीं है छोले भटूरे में, जेन्युइनली वाव फैक्टर है। पूरी पंचर करते हैं। आप लोग भी छोले भटूरे खा रहे हो? आप मोहाली से ही हो आप लोग? तो मतलब इस तरह चंडीगढ़ साइड पे छोले भटूरे सबसे बढ़िया कहाँ मिलते हैं? मोहाली साइड इधर ही, मतलब ये बोलो कि एक तरीके से बेस्ट है। जेन्युइन, मैंने फीडबैक भी ले लिया लोगों का, ठीक है। इनको अपना नाम चेंज करके ना पंडित जी छोले भटूरे वाले करना चाहिए। वो जो पूरी वाले आलू है ना, वो ओके ओके है, इतने कुछ डल फ्लेवर्स है, म्यूटेड फ्लेवर्स है, डिफरेंट होंगे। छोले भटूरे आलू, जो छोले हैं, जो भटूरे हैं, जो मज़ा है, वो सही में मज़ा ही है। अब आपको दिखाते हैं मोहाली का और बढ़िया बढ़िया वाला ब्रेकफास्ट। लस्सी को ख़त्म करते हैं, आई थिंक इन्होंने वीडियो के लिए लस्सी के ऊपर काजू डाल लिया, या वैसे भी डालते हो, आई डोंट नो। हुआ नहीं हुआ? चलते हैं।
सुबह नाश्ता बहुत बढ़िया कर लिया एकदम पंजाबी स्टाइल में। अब अपनी अगली जगह पे हैं 3B2 मार्केट में मोहाली में, लिटिल इडली नाम की एक जगह है, यहाँ पे साउथ इंडियन खाना खाने वाले हैं। इनकी इडली के चर्चे बहुत ज़्यादा है, आप लोगों से जब रिकमेंडेशंस पूछी थी तो आप लोगों ने ये दो जगह तो बोली थी कि भाई मोहाली आओ नाश्ता यहाँ पे करना। देखते हैं अंदर चलते हैं क्या क्या मिलेगा खास, लेट्स गो एंड सी। वड़ा, इडली, डोसा, सांबर, उत्तपम, फिल्टर कॉफी, कोकोनट चटनी, राइस। एक अपना जो आपका सबसे स्पेशल है वो पोड़ी टाटे इडली, ठीक है, एक तो ये हो गया। एक सिंगल इडली बड़ा कर दीजिए, ठीक है, और घी पोड़ी प्लेन डोसा कर दो, घी पोड़ी प्लेन डोसा एक्स्ट्रा क्रिस्पी, बस डन। अरे वाह, रागी इडली भी है, ऊपर कैशू डाल रखा है, नाइस। दिस मिनी इडली, या अभी एक अल्ट्रा क्रिस्पी वाला ना घी पोड़ी डोसा लगाना, ये मतलब दिल खुश हो जाए, कितना टेस्टी वाला। अभी ये क्रिस्पी होगा, इसमें भर भर के घी पड़ेगा, मजा आ। घी बटर भी पड़ता है, ऑयल घी बटर सब है, हाय राम। So beautiful. Oh, that's nice. That crispy ghee podi masala dosa. ये exactly वो चीज़ है जो मैं खाने का मन था मेरा. I was craving for this. So this is your best seller, जो मतलब जिससे मतलब जैसे होता है ना दुकान की मशहूरी जिससे होती है. तो ये कर्नाटका स्टाइल सांबर होगा, थोड़ा स्वीटर साइड गुड होगा इसमें, स्वीट होता है, हाँ, इसे बैंगलोर सांबर, हाँ, स्वीट होता है, हाँ। अब ये क्योंकि पंजाब में है तो ये सांबर दे, तमिलनाडु सांबर है, अच्छा तमिल सांबर भी है, ये थोड़ा खट्टा है, ये पंजाबियों को पसंद आता है, करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। कुरमा भी दे रहे हैं, कुरमा किसके साथ देते हैं आप? इडली के साथ भी देते हैं, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। ये प्रॉपर ब्रेकफास्ट हो गया ये अच्छा खासा। ये आ गया हमारा घी पोड़ी मसाला डोसा, ठीक है। ये क्या था? ओ भाई सब कुछ लगवा दिया क्या? ओ भाई चलो, वैसे खाने का मन तो था कर्ड राइस, अरे कर्ड राइस भी है, हाँ वही तो कह रहा हूँ, सब कुछ ही लगवा दिया। ये इडली वड़ा, सिंगल इडली वड़ा, और ये आ गया, ये इनकी फेमस ताटे इडली, बैंगलोर स्टाइल इडली। ये सॉफ्ट सी इडली देखो, एकदम बैंगलोर स्टाइल की। इनका मोहाली और पंचकुला दो जगह पे ही आउटलेट है, बट कह रहे हैं हमारा जो सारा स्टाफ है वो साउथ इंडिया का है, बैंगलोर का है, तो हमारा उसमें एक्सपर्टीज है ये, हाँ। और ये दही वड़ा जो इन्होंने बोला कि भाई ये तो अपना मतलब आपको दे ही रहे, आप चाहे ना भी लो तो भी दे रहे हैं। सुपर डुपर एक्साइटेड टू ट्राई दिस। आपको एक दिखाया हम लोगों ने टिपिकल पंजाबी स्टाइल ब्रेकफास्ट इन मोहाली, और ये टिपिकल साउथ इंडियन स्टाइल। इसके अलावा देयर इज नो थर्ड ब्रेकफास्ट यू नीड इन मोहाली। दिस इज माय दही बड़े की प्लेट, भाई यू हेल्प योरसेल्फ। ओके जी, बहुत सही। ये जो दही बड़ा है ना, एकदम सॉफ्ट वड़ा, दही को सारा सोक कर लिया और दही एकदम स्वीट, ऊपर से फ्राइड बूंदी, क्रंच इज ब्यूटिफुल। अब अटैक करते हैं हम लोग कर्ड राइस पे, कर्ड राइस की एक बाइट मारता हूँ मैं, लेट मी मेक अ ब्यूटिफुल कर्ड राइस की बाइट। इसको ऐसे करा, इसके ऊपर काजू एक मारा और इसके ऊपर एक थोड़ी सी मिर्ची डाल दी, पूरा डाल दी। ओके चीयर्स। मजेदार, कर्ड राइस इज गुड, दही बड़ा इज गुड, ये लो सुपर सॉफ्ट इडली।
ये देखो जैसे पाव टेस्ट करते हैं ना वैसे इडली ग्रेविटी टेस्ट, उसको कितना फोर्स लगा रहे हो कि इडली अपने आप में टूट रही है। ओ ब्यूटीफुल, इडली ग्रेविटी टेस्ट में इडली पास। हाँ ये था मिस फैल। मुझे कर्नाटका की इडली बहुत पसंद है, वड़े बहुत पसंद है, चटनियाँ बहुत पसंद है, बट सांभर मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, मुझे बचपन से खाते आ रहा हूँ। ठीक है, चटनी में डिप करेंगे और सुपर सॉफ्ट इडली को लेट्स डिवावर। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि मैं अभी चंडीगढ़ में बैठा हूँ, मोहाली में बैठा हूँ, पंजाब में बैठा हूँ। लिटरली ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं साउथ इंडिया में कहीं पे हूँ। दैट इडली इज टू डाई फॉर, इतनी टेस्टी इडली है, अनबिलीवेबली गुड। बड़ा क्रिस्पी, टेस्ट करते हैं। बड़ा अच्छा है, बट जो दही बड़े का फ्लेवर था ना, बड़ा ने जो सोक कर लिया था नॉर्मल वड़ा, उसको मैच नहीं कर पा रहा। इडली इज ब्यूटिफुल। लेट्स मूव टू डोसा नाउ। ये देखो माई गॉड सो नाइस। इस डोसे के अंदर तेल पड़ा है, इसके अंदर घी पड़ा है, इसके अंदर बटर पड़ा है। बैंगलोर में कैसे खाते हैं इसको ना, गोल्डन बाइट बोलते हैं। आप पास में आओ, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो ऐसे करेंगे, देखो सेंटर से यहाँ पे जहाँ पे मसाला है, सेंटर से वील ब्रेक, और ताकि मसाला आएगा, डोसा आएगा। दिस इज द गोल्डन बाइट, बैंगलोर स्टाइल। ओके, एक बाइट एज ए टेस्ट लेते हैं भाई। डोसे का मसाला भी इज प्योर बैंगलोरियन स्टाइल। अब सिंस इन्होंने बोला इनका सारा स्टाफ बैंगलोर से है, तो डोसा कुड हैव बीन अ लिटिल मोटा, बट वी विल डेफिनेटली फॉरगिव इट, बिकॉज़ हम पंजाब में रह रहे हैं भाई, हमें ये सब खाना मिल रहा है, अनबिलीवेबल। हमने अपनी एक्सपेक्टेशन पता है यहाँ पे 100,000 पे सेट कर लिया है। एक नॉर्मल सिंपल मसाला डोसा पंजाब में मिल जाए वही बड़ी बात है, ये क्या फ्लेवर्स दे रहे हैं, क्या खतरनाक चीज है। फाइनल वी अटैक ऑन दिस, लेट्स मेक अ ब्यूटीफुल कट ऑफ दिस टाटे इडली। पिज़्ज़ा स्लाइस कट करते हैं इसका, ये देखो, लुक एट दिस ब्यूटी। एक बाइट ऐसे ही लेते हैं। अरे क्या यार, इडली को हाथ से खाओ, बढ़िया है। वेरी नाइस, बट पर्सनली ना अभी भी आई वुड प्रेफर द प्लेन इडली। टाटे इडली इज गुड, बट प्लेन इडली इज अनबिलीवेबल। स्वागत टेस्ट करते हैं, इसको कुर्मा के साथ खा लो या नीर डोसा के साथ खा लो। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, गुड, डिलीशियस। अब फाइनल में विल डू फिल्टर कॉपी। आई थिंक राइट से लेफ्ट मेरा ज़्यादा अच्छा हुआ था फिल्टर कॉपी का। बिना शुगर वाली बोली थी, शुगर वाली दे दी, बट ठीक है चलो चलेगा। ओह भाई क्या मील खा ली मैंने, मेरे को लिटरली अगर मैं बाहर ना जाऊँ ना और नंबर प्लेट ना देखूँ PB65 तो मेरे को लगेगा मैं कर्नाटका में हूँ, केव में हूँ। इट्स दैट गुड, अनबिलीवेबल। चलो मिलेंगे ऐसी किसी और बढ़िया वीडियो में, भाजी भाजी पे अच्छा खाना एक्सप्लोर करेंगे, प्लेजेंटली सरप्राइज होंगे और आपको भी करेंगे। चलो बात करेंगे एक और वीडियो में, बाय बाय।